हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लास, क्लास 8, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम डिस्कस करेंगे पॉलीगन्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कर्व क्या होता है, पॉलीगन्स और क्वाड्रिलेटरल, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कर्व के बारे में। कर्व क्या होता है, देखिए कर्व आप पेन से बिना लिफ्टिंग किए कोई अगर फिगर आपने ड्रॉ किया, सपोज ये विदाउट लिफ्टिंग पेन, और सपोज ऐसे, या फिर सपोज आपने ऐसे विदाउट लिफ्टिंग पेन ड्रॉ कर दी, और सपोज ऐसे। तो देखिए टू टाइप्स है, आप विदाउट लिफ्टिंग पेन, बिना पेन उठाए अगर आप कोई पिक्चर आप ड्रॉ कर रहे तो वो शेप कौन सी होगी, कर्व की शेप होगी। अब कर्व में भी टू टाइप्स के कर्व होते हैं हमारे पास, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। ओपन कर्व क्या होते हैं हमारे पास, विदाउट लिफ्टिंग पेन अगर आप वो जो गिवन लाइन है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, इट मीन स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, तो वो क्या होगा, ओपन कर्व। अब जैसे सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये लास्ट पॉइंट हो गया, दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते, ये स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट पॉइंट दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ओपन कर्व। एंड क्लोज कर्व में क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों एक दूसरे से ज्वाइन होंगे, इट मीन्स इंटरसेक्ट करेगा ये स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, तो एक दूसरे को काटेगी, ओपन क्लोज कर्व में एक दूसरे को लाइन हमारे पास कैंसिल करेगी, काटेगी। तो सीधा सीधा सेंस होता है कि स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट अगर मिल रहा है तो हमारे पास तो वो क्लोज कर्व हो जाएगा। देखिए दोनों केस में स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट हमारे पास ज्वाइन हो रहे हैं, ये हो जाएगा क्लोज कर्व। तो ओपन कर्व और क्लोज कर्व के टाइप्स आपको पता होना चाहिए, ओपन कर्व कैसा होता है और क्लोज कर्व कैसा होता है। तो ओपन कर्व में स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट ज्वाइन नहीं होता, नहीं मिलते एक दूसरे से, तो ओपन कर्व हो गया, और स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट एक दूसरे से मिल रहे हैं तो हमारे पास वो हो गया क्लोज कर्व। इसके बाद हमारे पास देखिए टॉपिक आता है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होता है, ए सिंपल क्लोज कर्व मेड ओनली लाइन सेगमेंट। ए सिंपल क्लोज कर्व मेड ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन्स। जैसे सिंपल हम लाइन सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसको कोई नाम दे सकते हो ए बी सी डी, और लाइन सेगमेंट से देखिए ये भी क्लोज कर्व होने हमारे पास, सिंपल क्लोज कर्व मेड ओनली लाइन सेगमेंट, इससे बना होना चाहिए लाइन सेगमेंट, इसका भी हमने कोई नाम दे दिया पी क्यू आर, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये भी हो सकता है हमारे पास लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होने चाहिए, लेकिन क्लोज कर्व होना चाहिए, इसका मतलब स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट मिला होना चाहिए। क्लोज कर्व जैसा भी हमने डिस्कस किया था, क्लोज कर्व क्या होते हैं, स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट मिला होना चाहिए, इसको कोई नाम दे दिया हमने ए बी सी, लेकिन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, इट मीन्स ऐसे नहीं होना चाहिए आपके पास, जैसे ये हमने बनाया। तो देखिए इस केस में लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो ये हमारे पास पॉलीगन नहीं हो सकता, नॉट पॉलीगन, नॉट पॉलीगन। तो याद रहे लाइन एक दूसरे को नहीं काटनी चाहिए, अगर लाइन एक दूसरे को काट रही तो वो पॉलीगन नहीं होगा। तो पॉलीगन क्या होंगे, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए, लेकिन क्लोज फिगर होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। ये देखिए ये क्लोज फिगर, ये एग्जांपल हमारे पास के थ्री एग्जांपल पॉलीगन्स के, 1, 2, 3, और नॉट पॉलीगन के केस में हमारे पास ओपन कर्व भी नहीं होना चाहिए। जैसे इस केस में ये ओपन कर्व, ये भी लाइन भी कैंसिल हो रही है और ओपन भी एक, तो ये भी पॉलीगन का एग्जाम्पल नहीं, नॉट पॉलीगन। तो आपको पॉलीगन्स के केस में याद रखना है कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए और वो ओपन भी नहीं होना चाहिए, वो सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व इज कॉल्ड पॉलीगन, जो ओनली लाइन सेगमेंट से मिलकर बने। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉलीगन्स के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, साइड के अकॉर्डिंग इनके
टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगन्स होते हैं हमारे पास। एंड साइड, अब हमारे पास देखिए स्मॉल एंड साइड से, तो हमारे पास वो पॉलीगन कौन सा हो जाएगा, एंड साइडेड पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग पॉलीगन और एंड गॉड, लास्ट में जितनी साइड होगी उसके लास्ट में क्या लगेगा, गॉड। देखिए अब साइड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, अब जैसे पॉलीगन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था, ए सिंपल क्लोज कर्व मेड ओनली लाइन सेगमेंट, तो मिनिमम हमारे पास लाइन क्लोज फिगर बनाने के लिए मिनिमम लाइन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, थ्री साइड्स जो बनेगा ट्राइंगल। नंबर ऑफ साइड्स एक टेबल बना लेते हैं, नंबर ऑफ साइड्स नंबर ऑफ साइड्स होगी हमारे पास, और इसके बाद एक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद सिंपल फिगर, सिंपल फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम हमारे पास नंबर ऑफ साइड कितनी होनी चाहिए, जैसे बात हुई स्टार्टिंग कहां से होगी, थ्री साइड्स, तो क्लासिफिकेशन में उसका टाइप हो गया ट्राइंगल होगी, और उसका जो सिंपल फिगर बनेगा ट्राइंगल का हमारे पास थ्री साइड। भाई स्टार्टिंग में एक सिंपल क्लोज फिगर लाइन सेगमेंट से आप ट्राइंगल ही बना सकते हैं। सेकेंड, नंबर ऑफ साइड हमारे पास फोर है, तो ये हो गया हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड होंगी, आप कैसे बना सकते हो रैंडमली, ये फोर साइड क्वाड्रिलेटरल। नंबर थर्ड, नंबर ऑफ साइड इफ हमारे पास फाइव है, नंबर ऑफ साइड कितनी है फाइव, तो हमारे पास ये हो गया पेंटागन, पेंटागन में फाइव साइड होंगी हमारे पास। वन टू थ्री फोर फाइव पेंटागन, ऐसे हमारे पास नंबर फोर सिक्स साइड, तो हमारे पास हो जाएगा हेक्सागन, हेक्सागन में सिक्स साइड होंगी, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स हेक्सागन। ऐसे हमारे पास सेवन है, सेवन एट नाइन, ऐसे हमारे पास चलता रहेगा प्रोसेस। नंबर फाइव हमारे पास, नंबर ऑफ साइड हमारे पास सेवन है, तो ये हो गया हेक्टागन, हेक्टागन सेवन साइडेड बना देंगे हम इसमें। ऐसे ही नंबर ऑफ साइड एट है तो ऑक्टागन, नंबर ऑफ साइड नाइन है तो नोनागन, और नंबर ऑफ साइड टेन है तो डेकागन। ओके, तो टेन साइड तक आपको रिमेंबर होना चाहिए, ये टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, इट मीन्स टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स साइड के अकॉर्डिंग।